गाइस वेलकम टू बैक माय चैनल जेनी जेनी। सो गाइस आज आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो मैं लेकर आई हूँ जो कि सोनम कपूर का है और रिक्वेस्ट किया है तनुश्रेया ने एंड जीतू झा ने अनिल और अमित ओझा और वैशाली। सब्सक्राइब कीजिए मेरे जेनी एंड जेनी यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर सारे लेटेस्ट यूजफुल अपडेट सबसे पहले जानने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है। आप सबकी रिक्वेस्ट पे आज मैं रैप से स्टार्ट करते हैं जो सोनम कपूर की रैपिंग है। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, जब भी आपको साड़ी रैपिंग करनी है आपको इस साड़ी को कम से कम 1.5 से 2 मीटर तक छोड़ लेना है। सबसे पहले मैं नाप का 1.5 मीटर छोड़ती हूँ, 1.5 से 2 मीटर, तो ये लीजिए 1 मीटर और ये मैंने लिया है पूरा 1.5 मीटर। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से बांध लेंगे इस तरीके से। इसको पहले यहाँ पे प्लीट्स बना लेंगे इस तरीके से। पीछे की तरफ हम इसको टक करते हुए लाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा ये प्लीट्स है हम इसको यहाँ पे पीछे की तरफ ऐसे लगा देंगे। सो गाइस ये हमारा पीछे का जो प्लीट्स बचा हुआ है हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हम इसको आपको बाद में बताएंगे किसका हमें कहाँ पे और कैसे यूज करना है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा ये वाला पोर्शन है हम इसको अपने इस वाले पैर से ऐसे निकालते हुए बाहर की तरफ लाएंगे, ये देखिए आपने इस तरीके से। और जो हमारा ये वाला पोर्शन जो बच रहा है हम इसको यहाँ से, अगर ये आपका ये पल्लू ज्यादा बच रहा है यहाँ पे इस तरीके से लाना है। अगर आपका पल्लू बहुत ज्यादा बच रहा है तो आप इस पोर्शन को यहाँ पे इस तरीके से प्लीट्स करके यहाँ पे लगा लीजिए। ये हमारा प्लीट्स है जो हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला चीज बता दूं जो मैंने पहले छोड़ के रखा हुआ था। तो हमने जो ये छोड़ा हुआ था आप देख पा रहे हैं, अब हमको यहाँ से उठा के लाना है। ये देख रहे हैं ये बॉर्डर हमारा आ रहा है नीचे से। तो गाइस ये जो हमारा पोर्शन था हम इसको यहाँ से प्लीट्स बनाएंगे, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से इसे प्लीट्स बनाएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये हमने प्लीट्स बना लिया है और अब हम इस प्लीट्स को अपना अंदर की तरफ डालेंगे इस तरीके से। आपने देखा कि मेरा जो बॉर्डर थोड़ा सा नीचे रह गया, तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर ला सकते हैं और आप पैर भी देख पा रहे होंगे, पैर में बॉर्डर हमारा आ रहा है, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ला रही हूँ। और अगर आपको यहाँ पे साइड में प्लीट्स को परफेक्ट दिखाना है तो आप इसे अंदर करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे पिन कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे अगर पिन कर लेते हैं तो आपका ये बॉर्डर परफेक्ट रहेगा। हाँ बट मैं पिन नहीं कर रही हूँ। सो आप देख पा रहे हैं ये लोकेशन इस तरीके से आएगा यहाँ पे। तो आप इसे और अच्छा लुक देने के लिए इस तरीके से आप यहाँ पे प्लीट्स डाल दीजिए। तो मेरा एक पैर कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको दिखा दूं आपको शायद दिख भी रहा होगा। तो चलिए अब ये वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको अपने पैरों के अंदर से इस तरीके से लाएंगे, ये देख रहे हैं आप इस तरीके से लाएंगे। उसके बाद अगर आपका ये पल्लू जो है ये पल्लू अगर आपका ज्यादा हो रहा है तो आपको क्या करना है, जो हमारा ये वाला फैब्रिक है हमको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे प्लीट्स बना लेना है इस तरीके से। और प्लीट्स बनाने के बाद में इस फैब्रिक को हम यहाँ पे पीछे की तरफ अपने इसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर इस तरीके से हम डाल के उसके बाद हम अपने इस पर इस फैब्रिक को उठाएंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ इसको उठाएंगे और उठा के ले आएंगे ऊपर की तरफ पल्लू में। तो गाइस आपने देखा अभी हमने यहाँ पे लॉक कर लिया है, उसके बाद हम इस पोर्शन को पल्लू में ले आएंगे। तो पल्लू आपको जितना रखना है अगर आप चाहें तो पल्लू को इस तरीके से गिरा हुआ रख सकते हैं, जैसे कि हम ओपन पल्लू रखते हैं इस तरीके से ओपन पल्लू भी रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो प्लीट्स भी ऐसे बना सकते हैं। तो आपका ये जो पोर्शन आपका सामने वाला फ्रंट वाला इस तरीके जैसे सोनम कपूर जी का है वो उस तरीके से आएगा। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं यहाँ पे प्लीट्स बनाने जा रही हूँ।
हाँ हो गया है, और अब हम इसको लॉक कर लेंगे पिन। तो आपने देखा कि मैंने लॉकिंग कर लिया हुआ है, और आप देख पा रहे हैं इसका लुक कैसा आ रहा है, धोती स्टाइल का। ये देखें आप, ये लुक आएगा आपका। अगर आपको एकदम परफेक्ट लुक चाहिए तो गाइस आपको क्या करना है, ये जो हमारा प्लीट्स आ रहा है आप इसे यहाँ पे टक कर सकते हैं इस तरीके से, इसके पास भी यहाँ पे, तो ये बिल्कुल क्रॉस दिखने वाला है, जैसे कि क्रॉस अभी आपको दिख रहा है, बट मैं टक नहीं कर रही हूँ। सो गाइस, I'm gonna make you mine.